हेलो दोस्तों, हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ कुंभी ग्राम सभा में। यहाँ चाय की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। उपचुनाव के बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या राय है इनकी। क्या नाम है भैया आपका? विजय। विजय? पूरा नाम बताइए। विजय यादव। अच्छा, उपचुनाव होने वाला है तो क्या है आपकी मंशा, क्या इरादा है? सरकार कैसी है, चल रही, अच्छी चल रही है, या सरकार से आप परेशान हैं, या और कोई परेशानी है? परेशानी तो ये बात, गोरुहिया छूट है, धान वान बचते नहीं लगो। अच्छा, झूरा अलग पड़ा है, छुट्टा जानवरों से समस्या है, सूखा पड़ा हुआ है तो, और एरिया में तो बारिश हो रही है, अब देख रहे हो सूखा पड़ा है। पानी वो उम्मीद नहीं ना, वो खराब जा, ऐसे बिगड़ी बा सरकारी ट्यूबवेल। अच्छा, हेलो, छुट्टा जानवरों से ज्यादा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आपका नाम भैया? ओम प्रकाश यादव। अच्छा, आपका क्या विचार है? यही बता रहे, जो ने विचार यही है, छोटा जानवर है, पानी उन्हें गिर नहीं रहा, यही विचार है। पानी यहाँ बरसात नहीं हो रहा, यहाँ बरसात बहुत कम हो रहा है, नहीं भरी पूरी बरसात। अच्छा, इस एरिया में बरसात केवल कम हुई, भजाज जिले में और एरिया में तो अच्छी हुई है, लेकिन हमारे एरिया में गढ़ा ही नहीं भरी। अच्छा, पानी नहीं बरसा, छोटा जानवर वाली समस्या। चुनाव तो अपने हिसाब से होगा, अपने टाइम पे। तो आप लोग किसका मन बनाए हैं, किसको, किसकी मदद? यही सरकार बढ़िया हुए वही मन बनाए ना, वही कहो बताए। ये वही मीडिया पूछा था, हम एक चीज बता रहे हैं, ये तो पूछा था कि किसका मन बनाए, ये नहीं पूछा था समस्याएं क्या जनता की, कोई मीडिया नहीं पूछ रहा। समस्या तो भी यही बताया था, समस्याएं तो ये बता रहे हैं भैया। अच्छा, नहीं मीडिया नहीं पूछ रहे, बता तो रहे हैं वो अलग बात। पूछते हैं हम लगातार पूछते हैं आपको। हमारे सब, हमारे पूरे प्रदेश में, जिले की बात नहीं है, ये विधानसभा की बात नहीं, पूरे प्रदेश में एक समस्या मूल है, जो जानवर की समस्या है, जो किसान इससे त्रस्त हो चुका है, और आज कोई इसका हेल्प नहीं हो रहा है, और ना कोई सहायता हो रही सरकार की तरफ से। अच्छा, शिकायत करने के बाद भी कोई हेल्प नहीं हो रही, छुट्टा जानवर जी। और खेत हम लोगों को चल रहे हैं बराबर, रात दिन उस पर मेहनत करना पड़ा, रखाना पड़ रहा है, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है। इसकी समस्या सबसे मूल समस्या है, इस पे कोई नेता नहीं बोल रहा है, ना बीजेपी का, ना सपा का, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, कल हमने धमोलिया में बात किया था ये छुट्टा जानवर के ऊपर ही जी, सारे लोगों से यही बात पूछी जी, सबने बताया छुट्टा जानवर से समस्या है किनौली में। हाँ, ये समस्या मूल है जो पूरी जनता की है, किसान की नहीं, पूरी जनता की है, पूरे किसान और आम सब जनता की है। हाँ, वो तो है। और उसके बाद पानी, बिजली, बिजली तो क्या ठीक है, बिजली समय सही आ रही है, लेकिन पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है। देखिए अभी गांव में हल्के जो है दिक्कत हो रही है लोगों को, पानी भरसता है, इतना पानी भर जाता है, ये समस्याओं पर नहीं गाँव में सड़क नहीं बनी, नहीं सड़क, नहीं सड़क का तो है, ये सड़क तो है ही है, लेकिन नाली सड़क नहीं, गाँव का नहीं। हमारे आप चलिए भट्टे पर से गाँव गया, अभी चल के दिखाए हम। अच्छा, भट्टे पर से कई लोगों संपर्क किया गया, बीजेपी के नेताओं संपर्क किया गया, सपा के नेताओं संपर्क किया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, चल के दिखाइए अभी बरसात हो जाए। ग्राम सभा द्वारा नहीं पटाई गई? नहीं, ग्राम सभा द्वारा सड़क तो पड़ी है, लेकिन उसमें खरंजे नहीं लगे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये समस्याएं हैं। शुभ नाम भैया आपका? हमारा नाम स्वामीनाथ, डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हैं हम, डॉक्टर यही जी। धन्यवाद। आप भैया? आप बताइए। हम रमेश कुमार यादव। अच्छा, आप क्या, यही समस्या है? समस्या तो बहुत भयक, सड़क नहीं, ना नाली में खरंजा है, खरंजा में नाली। ग्राम सभा है बिसाही? बिसाही, ये यहाँ तो, ये कौन सी ग्राम सभा? ये बिसाही है। अच्छा, कुंभी, 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 बिसाही मौजा है आपका। सड़क नहीं है? सड़क जाओ इधर हल्के देखो, दुर्गति खराब हो गया। अब ये आप बताइए, अभी 5 साल यहाँ समाजवादी के विधायक रहे, अब सांसद हो गए हैं वो,
तो ये सड़क का उनका कोटा होता है, जब कोई आएगा जब तो देखेगा, जब घर से निकलेगा नहीं कहा कौन, तो इसका मतलब वो आए नहीं क्षेत्र में, अभी आए नहीं ना गोरखनाथ, गोरखनाथ आते हैं और कोई दो ही पार्टी चलती है। गोरखनाथ तो मान लो कि अभी हारे हुए थे, नहीं पिछली बार भी थे लेकिन उसके बाद भी नहीं क्षेत्र का ध्यान दे रहे थे। अच्छा, और ये जो मौके पे प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं, विधायक होके सांसद हो गए हैं, ये भी क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते कि जनता की समस्याएं, खाली वोट लेना होता है तो उनकी गाड़ियां आती है, विधायक आते हैं, सांसद आते, सब आ जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है, अवधेश प्रसाद ही नहीं आते हैं। अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए, ठीक है सांसद है लेकिन कोई नहीं आते हैं, 5 साल विधायक रह चुके हैं, हम लोगों ने वोट दिया था पिछली बार लेकिन कोई मतलब नहीं था। अच्छा, यादव हम भी हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अरे आप यादव हैं तो उससे क्या, हमारा तो पढ़े लिखे, हमारा तो ये था ना कि हम आएंगे तो उनकी जो है उनको वो करेंगे काम, तब उनको जलील करेंगे अपनी चौराहे पे, उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगेगा, भले वो ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई तो हमारी समस्याएं जब नहीं आता है जी, आपकी समस्या को नहीं सुनता जी, और वोट मांगने आते हैं तो आप उनसे अपनी बात खुल के कहना चाहिए, इसमें कोई नहीं, अब चुनाव हुआ आए ही नहीं, चुनाव हुआ उसमें भी नहीं आए, अगर आते तो एक चीज था, हमारा तो ये पूरा मन था कि हम गांव वासियों को बिठा के मुर्दाबाद के नारे लगवाते उनके, लेकिन चुनाव में भी नहीं आए, वो कार्यकर्ता आए लेकिन वो नहीं आए, ठीक, लेकिन चुनाव चलो ठीक है, जीत गए अच्छी बात है, हम ही नहीं कह रहे हैं, ठीक, समस्या को सुनना चाहिए, नेताओं को समस्या को सुनना चाहिए, जनता को विधायक बदलता हूँ कि हमारा लोग काम हो, जो आता है सब एक ही निकलते हैं, आने के बाद सब एक ही तरह हो जाते हैं, इसीलिए तो हम लोग 5 साल बदलते हैं कि ये काम करेंगे, भाई नहीं करते हैं दूसरा वाले वो भी ऐसे ही निकल जाता है तो क्या करें। हर नेता यही कहता है कि वो 5 साल 10 साल रह चुके हैं वो क्या किए, तो जनता ने इसलिए नहीं चुना है आपको, आपको इसलिए चुना है कि आप उनसे अच्छा काम करिए, इसलिए चुना है, अगर वही वही रीजन आप बनाएंगे वही काम आप करेंगे तो क्या मतलब चुनने का नेता को, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसलिए चुनाव इसलिए नहीं, चुनाव होता है जनता इसलिए नए नेता को चुनती है, 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र में इसीलिए होता है, उनसे अच्छा विकास करें, लेकिन उस उतने विकास करोगे तो क्या मतलब है चुनने का, कोई मतलब नहीं है, तो अच्छे नेता कोई नहीं, हमारे यहाँ तो कोई अच्छा नेता नहीं, चाहे अवधेश हो चाहे गोरखनाथ हो, नए नेताओं की जरूरत है हमारे यहाँ, नए नेताओं की, नए लोग आए तो कुछ यहाँ उम्मीद है उनसे, उनसे उम्मीद है, इन नेताओं से उम्मीद कोई नहीं है जी, नया नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, हमें सब पार्टियों में नया चेहरा आना चाहिए, कोई मतलब नहीं, नए चेहरे से लोगों को उम्मीद है, हो सकता है ये आज भी होगा, अच्छे साबित होंगे जी जी जी। आपके शुक्ला जी हैं इनसे बात, शुक्ला प्रसाद, जोखू प्रसाद शुक्ला, शुक्ला जी आप बताइए कुछ अपना विचार, सर चुनाव होने वाला है, ठीक है, उसमें आपकी क्या राय है? राय तो हमारे लोगों की ठीक है, हम लोग जहाँ थे वही है, रहने का भी विचार है, लेकिन सबसे पहले तो हम कहाँ थे आप, यही हो यही रह रहा हूँ गाँव, मौजा तो हम ये थोड़ी करें, मौजा थोड़े पार्टी में जो है सरकार जिसकी वसूली भी थी, बीजेपी में से बीजेपी में है और रहेंगे भी, लेकिन सरकार से मुझे एक शिकायत ये है कि सरकार सबसे पहले अपनी तहसील सुधारे, कोई काम नहीं, 9 वर्ष हो गया यही जमीन है हमारी ली हुई, तहसीलदार का ऑर्डर भी हो गया, जब ये नई खतौनी तैयार हुई तो उसमें क्या किए, आदेश भी निरस्त कर दिए, जमीन असावत विक्रेता के नाम, अब बताइए जैसे हमने हमारी ही जमीन हमने ही लिया है, वो जमीन हमने मोल ली है, अगर विक्रेता किसी और के नाम ट्रांसफर कर दे बेच दे तो हमारा क्या होगा, पैसा देने के बावजूद भी चाहे सीएम साहब से खुद कह देना, उनके पोर्टल पर भी हमारी शिकायत पड़े रोज, आपका काम हुआ कि नहीं, आप संतुष्ट है, अरे किस बात के लिए हम संतुष्ट होंगे, अच्छा। जब हमारा काम होगा तभी तो हम संतुष्ट होंगे, जमीन आपने ली थी, जमीन हमने ली थी 2015 में, अच्छा 17 में उसका ट्रांसफर का आदेश हुआ, वो आदेश का पालन नहीं किया गया, कुछ दिन तक तो खतौनी पे चढ़ा था, अच्छा। इसके बाद जब नई फसली वर्ष ये वाली बनी हाँ, तो इसमें वो आदेश हटा दिया गया, नाम यथावत विक्रेता के नाम ही इस टाइम पड़ा हुआ है, नहीं हुई आज तक नहीं हुई, तहसीलदार साहब के यहाँ हमने 3-4 हजार रुपए भी दिए फिर भी कोई काम नहीं हुआ, अब वो एसडीएम के यहाँ पड़ी हुई है 32/38 की हमें हो गया 2 वर्ष मुकदमा किए हुई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, यहाँ तो बस काम नहीं होता है वही उन्हीं का दबंगों का, सरकार है तो इतनी सख्त, बहुत सख्त है सरकार, लेकिन काम गांव वालों का कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी नाराजगी इस सरकार से गांव वालों के प्रति इसीलिए है, ऐसे ऐसे तहसील स्तर के काम है,
ठीक शुक्ला जी, आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा आपका क्या नाम? हरिवंश शुक्ला। अच्छा प्रणाम जी। क्या राय है आपकी? जो इनकी राय वही हमारी है। यहाँ बन गया गौशाला, जब से ये गौशाला बना है जानवरों की सीमा जितना अंदर है ना उतना बाहर बाहर बाहर। अब वो रात में दिन में जब भी मौका पावे किसान का खेती चरे, अपना बचाव करे तो कर ले और नहीं तो चरे। यहाँ के जानवर कोई नहीं है, सारे बाहरी जानवर आते हैं रात रात को, कहीं सिक्रेटरी है कहीं कोई है, गाड़ियों में भर भर के लाके यहाँ छोड़ जाते हैं। बाहर के जानवर यहाँ छोड़ जाते हैं, यहाँ वाले कोई जानवर नहीं, जंगल में लाके छोड़ते हैं। हाँ जंगल में नहीं, सीधे गौशाला में छोड़ दिया। हमारा लड़का बैठा, इससे कभी कभी लड़ाई भी हो गई है प्रधान और सिक्रेटरी से, कह रहे तुम्हारे नाम FIR करूंगा, एक जाओ FIR करके देख लो। हाँ ये हाल है यहाँ। ठीक है धन्यवाद।